पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ किस तरीके से कोहराम मचा सकती है वो आपने देख लिया। अब आपको लिए चलते हैं धरती की जन्नत यानी कि कश्मीर। कड़ाके की सर्दी झेल रहे जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का दूसरा दौर शुरू हो चुका है। कोहरा अलग से मुसीबतें बढ़ा रहा और इसी बीच वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बारिश का अलर्ट लोगों के लिए माथे पर शिकन डाल रहा है। आसमान से बरसी आफत, जम गई धरती की जन्नत। सर्द हवाएं कर रही टॉर्चर, कोहरा बरपा रहा कहर, थम गई ट्रैफिक की रफ्तार, जिंदगी में मुश्किलें हजार, धरती की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी ने जिंदगी की गाड़ी पटरी से उतार दी। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, कई जिलों में पारा शून्य से कई डिग्री नीचे चल रहा है। घाटी के मशहूर पर्यटन स्थलों में शुमार सोनमर्ग में हो रही ताजा बर्फबारी से पारा शून्य से नीचे -10 डिग्री तक जा पहुंचा है। सड़कों, घरों, होटलों और पेड़ों ने सफेदी की चादर ओढ़ ली, पानी के स्रोत जम गए। कश्मीर के गुलमर्ग की ड्रोन से ली गई ये तस्वीर देखिए जरा, पूरा इलाका बर्फ के आगोश में समाया हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ रखी है, चिनार और देवदार के पेड़ों की हरियाली भी बर्फ से ढक कर सफेद हो चली है। गुलमर्ग का ही एक दूसरा वीडियो देख लीजिए, बर्फबारी के बाद यहाँ कैसे हालात हैं आपको अंदाजा लग जाएगा। यहाँ 24 घंटे में ही 2 से 3 इंच बर्फबारी हो चुकी है, जिसे यहाँ घूमने आए सैलानियों की गाड़ियाँ बर्फ के आगोश में समाई हुई नजर आने लगी हैं। जिधर नजर दौड़ाओ बस सफेदी ही छाई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भी बर्फबारी से हालात बिगड़ गए हैं। यहाँ के लोलाब इलाके में बर्फबारी का ताजा दौर शुरू हो गया है, जिससे पारा लगातार लुढ़कता जा रहा है। सड़कों पर कई फीट बर्फ जमा हो चुकी है। प्रशासन ने बर्फ हटाने के लिए 50 से ज्यादा मशीनें तैनात की हैं, लेकिन लगातार गिरती बर्फ प्रशासन की कोशिशों पर पानी फेर दे रही है। बांदीपोरा के गुरेज की ये तस्वीरें देख लीजिए, इतनी बर्फ गिरी है कि घरों पर सफेदी की मोटी चादर बिछ गई है। घरों के आगे भी बर्फ का ढेर लगा दिख रहा है। पूरा गुरेज इलाका बर्फ के आगोश में समाया हुआ है। रास्ते बंद हो चुके हैं, जिन्हें खोलने के लिए प्रशासन की टीमें बर्फ हटाने वाली मशीनों के साथ लगातार जुटी हुई हैं। बर्फबारी के बीच कोहरा भी लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है।
श्रीनगर में छाई कोहरे की घनी चादर के बीच सर्द हवाओं ने ठंड के टॉर्चर को दोगुना कर दिया है। पारा माइनस में जा चुका है और यहाँ जिंदगी छिछुर रही है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते ट्रेन सेवाएं भी बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। जम्मू कश्मीर के बनिहाल से बड़गाम तक बर्फ से लदी घाटी से गुजरती ट्रेन की तस्वीर देख लीजिए। जहां जहां से ट्रेन गुजर रही है सारे स्टेशन बर्फ से ढके हुए नजर आ रहे हैं। ट्रेन की पटरियां भी मुश्किल से दिखाई दे रही हैं। ऐसे में ट्रेनें लेट हो रही हैं और लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। मंगलवार को जम्मू कटरा आने वाली 11 ट्रेनें अपने तय समय से देरी से पहुंची हैं। पिछले एक महीने से हालात ऐसे ही बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर में रेल के साथ साथ सड़क यातायात भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। घने कोहरे के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे पर दिन में भी गाड़ियों को हेडलाइट ऑन कर उतरना पड़ा, जिससे ट्रैफिक रेंगता हुआ सा दिखाई पड़ा। मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि 11 तारीख से लेकर 13 तारीख तक का जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में बर्फबारी जो है वो देखी जाएगी और साथ ही साथ घना कोहरा जो है वो यहाँ पर मैदानी इलाकों में यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऐसे में लगातार जो ठंड है वो भी लगातार अलग अलग इलाकों में यहाँ पर बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर में चुलई कला का दौर चल रहा है। इसी चुलई कला के बीच बर्फबारी का दूसरा दौर शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिन में इस रीजन में पहुंच रहे वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते होने वाली बारिश मौसम को और सर्द बना सकती है, जिससे हालात और विकट हो सकते हैं। चीफ न्यूज़ नेशन।